लोकसभा चुनाव से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली के एक कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि 6 महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ही दिल्ली में पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया। इसी क्रम में 10 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 में से 5 मामलों में आरोप तय करने का आदेश दिया है। किन धाराओं में आरोप तय होने हैं, ये जानकारी आपको दे देते हैं। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, जिसमें महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और 354D स्टॉकिंग के तहत आरोप तय करने की बात कही गई है। इसके अलावा कोर्ट ने 2 मामलों में आपराधिक धमकी के तहत भी आरोप तय करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रजभूषण शरण सिंह को एक केस में वरी किया गया है, जिसके बाद WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा आपको ये भी सुनवाते हैं। चार्जेस फ्रेम कर दिए आप पर, क्या कुछ कहेंगे? 354A में चार्जेस फ्रेम हुए हैं। प्रथम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार सीट पहले लगी थी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और एक केस को छोड़कर के बाकी केस में उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। मुझे न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए रास्ते खुल गए। बता दें कि ACMM प्रियंका राजपूत बीजेपी सांसद के खिलाफ 21 मई को औपचारिक रूप से आरोप तय करेंगी। उन्होंने इस मामले में सह आरोपी और पूर्व WFI असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विनोद तोमर पर आईपीसी की आपराधिक धमकी की धारा के तहत आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में ब्रजभूषण के दोबारा जांच की मांग वाली याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने 26 अप्रैल को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।